तो आप देख रहे हो पीछे, ये है टेम्पू का बस स्टैंड। अब 2 बजे यहाँ से बस जाएगी और हम ऊपर ही खड़े, तो नीचे से लोग बार बार पूछे लेंगे जाएगा, जो पूछ रहे हैं जो यहाँ का लोकल टैक्सी बहुत है आपको मिल जाती है, तो चलते हैं। हाँ बस स्टैंड तो ये है बस हमारी जाने की, तो बस जाने को अभी 1 घंटा बाकी है। बस स्टैंड के ही सामने ये देखिए बड़ा टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से आपको फुनशुलिंग पुनाखा पारो के लिए टैक्सी मिल जाती है। और बस स्टैंड पे आने के बाद दिया मैंने पान, कहीं के पान बनारस वाला, तो कहीं के पान भूटान के थिम्पू वाला, खुल जाए ठंड बदन का गर्मी में ताला, मतलब बदन में गर्मी पहुँचती इस पान खाने से, ऐसे लोगों का मानना है, इसलिए ये हमेशा आपको पान चबाते हुए देखेंगे। तो भी भूटान क्लीन एंड नीट है, थिम्पू क्लीन एंड नीट सिटी। तो बस का टाइमिंग, हाँ तो भैया हमने खाने आया है भूटानी पान, और कुछ नया देखने को मिल रहा है। अभी आपने भैया जो हमारे बैग के ऊपर ध्यान दिया और हमने पोस्ट ऑफिस देखा, तो ये बेचते हैं यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं भैया, ड्राई चीज, कच्ची चीज, मैंने बहुत जगह देखा ये। ये इसका महत्व क्या है, खाने से क्या होता है? इसमें प्रोटीन देगा, ये सिर्फ प्रोटीन है ना, फैट लिखा हुआ है, प्रोटीन होगा। अच्छा बस हमारी स्टार्ट हो गई है, एंजॉय योर ट्रिप। या थैंक यू सो मच, एंजॉय योर ट्रैवल। ओके वेलकम टू इंडिया, दैट्स माय यूट्यूब चैनल माय, एंड दैट इज ऑन योर वीडियो ऑन माय चैनल यूट्यूब, एडवेंचर जी सर्च ऑन यूट्यूब, एडवेंचर। ओके तो आ गए बस में, और बस तो आता त्याच्याशी बोलत होतो मी, थोडं विचारत होतो काय महत्त्व आहे म्हणजे, तर त्याने सांगितलं भरपूर, आणि तू पण पान खाल्लं चक्क पान, सगळ्यांच्या तोंडाला असं, आम्ही पण पान खाऊन पाहिलं कसं लागतं, छान आहे खरंच मस्त आहे। तो 2:06 को हमारा सफर टिंकू से पारो के लिए शुरू हो गया है, तो बाय बाय टिंकू, वेलकम पारो कहने का वक्त आ गया है, वेलकम पारो ने कहीं नहीं, अभी खाली बाय बाय टिंकू, जब पारो पहुँचेंगे तब वेलकम टू पारो। तो एक्चुअल में हमारा पीछे आगे के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम भूटान के थिम्पू के मेहमान हैं, तो पहला बाकी की ध्वजा पीछे। जो ब्रिज अभी आप देख रहे हैं, यहाँ से अभी हम जाएंगे पारो की तरफ, और वो जो ऑफिस देख रहा है उसी से एकदम लेके रास्ता जाता है, वो सीधा जाता है थिम्पू की तरफ।
घंटे बाद सफर पहुंच गए हैं पारो और बस स्टैंड अभी आने वाला है। तो उतरते हैं बस स्टैंड, फिर मिलते हैं। एंटर द ड्रैगन पिक्चर का नाम नहीं, ये होटल का नाम है। तो पहुंच गए हम दोस्तों पारो में, राइट टाइम कितने बजे थे, हाँ सवा 4 बजे, मतलब 4 बजे पारो हम पहुंच गए थे। 4 बजे अभी अपने नासिक में बजे हैं 3:30 और यहाँ बजे 4, तो 4 बजे हम पारो पहुंच गए होटल रिया। और अगर आपको पारो में होटल चाहिए तो होटल ड्रैगन ये सबसे बजट में होटल है। तो भी उन्होंने हमको ये 1000 रुपीज में होटल दिया है और काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छा है। सबसे बाथरूम भी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बाथरूम सबसे बड़ा है और गीजर बाथरूम में लगाना है। तो ऐसा ये पारो का रूम अभी मैंने ले लिया है। तो अभी जाएंगे हम, कल हमको जाना है टाकसांग टाइगर्स नेस्ट। तो अभी जो हम देखने जा रहे हैं कल की बस का, तो वो कल बस का देखने जा रहे हैं। और अभी वाईफाई यहाँ मिल रहा है, तो देखिए मोबाइल लेके शुरू ऐसा नहीं ना, वाईफाई मिल गया तो लेके शुरू नहीं हो जाने का, चलते हैं। हाँ पारो का साइट सीन शुरू हो गया हमारा आते ही, और हम पहुंच गए हैं बस बुकिंग से डायरेक्ट यहाँ, कौन सा रिवर है, नॉट पाचू, पाचू PACHO। आप देख रहे हैं मेरे पीछे